होम स्वीट होम। ए स्क्वायर का घर देखना चाहोगे तो आ जाओ फटाफट से, दिखाता हूं मैं आपको ए स्क्वायर का ड्रीम होम। सो गाइस, दिस इज माय ड्रीम होम। आई थिंक आप लोगों को देख के अच्छा भी लग रहा होगा। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ फोयर एरिया के बाद हमारा लिविंग रूम। फ्लैट परचेज किया था तो ये एरिया कॉमन था किचन के साथ, उस इस एरिया के साथ, तो यहाँ पे हमने खूबसूरत पार्टीशन बनवाया। ये पूरा वुड पार्टीशन है जो कि अनिल एंड कंपनी ने बनाया। सो ऑसम, यू नो, आर्किटेक्चर का एक नमूना कह सकते हो आप लोग। सो इस लिविंग एरिया की खास बात एक और है, वो है यहाँ का आउटर व्यू। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, ये 21st फ्लोर है और बेसिकली इस व्यू की वजह से हमने इस फ्लैट को परचेज किया था। ये एरिया था लिविंग रूम के बाहर, जो आउटसाइड बैंगलोर का नज़ारा आपको दिखाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जो लिविंग एरिया है उसको रिच लुक देने की पूरी कोशिश की है और आई थिंक हुआ भी है ऐसा। ओके, सो उसके अलावा लाइटिंग का भी बहुत ध्यान रखा है। और जब ये लिविंग एरिया ख़त्म होता है तो एट दी एंड हम लोग चाहते थे कि कुछ ना कुछ उसके ऊपर ही हमने लाइट लगवाई ताकि ये उसे एनहेंस कर सके। ओके, सो उसके बाद लिविंग एरिया के बाद हम लोग चलते हैं किचन की तरफ। इसे एक ओपन किचन हमने बनवाई जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रही है, और इसको भी ट्राई किया कि बहुत ज़्यादा लैविश हो। इसमें नॉर्मल किचन की जैसा कुछ भी मतलब बाहर दिखे ही नहीं। सो फाइनली बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको डिज़ाइन करवाया है, होमलेन से ही डिज़ाइन किया है आती है। सो ये एक एरिया है जो मेरे घर को चार चांद लगाता है। इसको भी हमने लैविश बनाने की कोशिश की है। इस तरफ अरमाड़ियों दिख रहा है, लेट्स लुक एट दिस। एंड एक्चुअली दिस इज़ डिज़ाइन बाय होमलेन ओनली, से यहीं से एक्टिविटी सारी होती। सो दिस इज़ माई स्टूडियो रूम। अगेन ये जितना भी स्क्रीन एंड ऑल अभी आप देख रहे हो, ये जितना भी सेटअप यहाँ पे लगा हुआ, वो वेदांतु ने ही यहाँ पर सेटअप करवाया है कम्प्लीटली। और यहीं से मेरी क्लासेस होती हैं, यहाँ से मैं लेक्चर लेता हूँ। ओके, और वहाँ स्क्रीन पे बेसिकली मैं देखता हूँ आपके चैट्स, और वहाँ पर मैं खुद को भी देख पाता हूँ कि एक्चुअली सब सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। आपको पता ही है कि है ना, ऑब्वियसली जब आप लोग आओगे घर पे मुझसे मिलने तो मैं आपको उसी रूम में ठहराऊंगा। सो इसके पीछे का मैं आइडिया आपको बताता हूँ। बेसिकली गेस्ट बेडरूम का आइडिया क्या था, उसे बनाना कैसे था। मैं बहुत बार हम लोग बाहर जाते रहते हैं और बाहर के जो रूम्स होते हैं, होटल के रूम जो होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, है ना। सो मैंने सोचा कि घर पे एक ऐसा कॉर्नर बना दिया जाए यार, जब भी ना बैकपैक कर रहे हो और कोरोना जैसी सिचुएशन हो तो हम लोग वहाँ पे बैठ सके। सो ये गेस्ट बेडरूम है जो बनवाया है। अगेन फील वैसी आई एकदम होटल के जैसी, तो हमने एक एरिया बना लिया कि बैकपैक करो और यहीं पे आके रह लो। नहीं, सो फाइनली ये एरिया है गेस्ट बेडरूम जैसा। वी हैव ट्राइड कि सूदिंग लगे, सूदिंग बने। सो दिस इज़ द एरिया। तो यहाँ पर ये, सो अगेन आप लोगों को ये घर कैसा लगा, इसका इंटीरियर कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा चैट सेक्शन में। और इसके अलावा आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि इस पूरे घर में कौन सा कॉर्नर आपको बहुत ही खूबसूरत लगा, मेरा कौन सा इस घर का एरिया आपको बहुत ज़्यादा सूदिंग लगा, चैट सेक्शन में लिखिएगा। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप जब अपना एक ड्रीम होम बनाएंगे तो इनमें से कौन सा एरिया आप चाहेंगे कि आपके ब्यूटीफुल घर में भी हो, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये था मेरा होम स्वीट होम।